आइए एक्सरसाइज 13.5 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक राइट ट्रायंगल जिनकी साइड्स 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है हाइपोटेन्यूज के अलावा को उसके हाइपोटेन्यूज के परितः घुमाया जाता है, यानी हाइपोटेन्यूज के अलोंग घुमाया जा रहा है। इस प्रकार प्राप्त डबल कोण का वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालिए। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी। मान लेते कि हमने कोई राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया है। इनके साइड्स हैं ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के अलोंग इसे घुमाया जाता है, यानी कि हमें डबल कोण प्राप्त होगा। इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं। हमें डबल कोण मिला है। फर्स्ट कोण है ए बी डी, सेकेंड कोण है बी डी सी। कोण का डायमीटर है कोण के बेस का। इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, तो ए सी होगा हाइपोटेन्यूज रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ए सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी परपेंडिकुलर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी सी ट्रायंगल में ए सी को अगर हम बेस ले लेते हैं और तो ओ बी हाइट होगी, तो 1/2 इंटू ओ बी इंटू ए सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी इंटू बी सी। हमने ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ओ बी की वैल्यू पता करनी है जो कि रेडियस है। तो इस वैल्यू को पता करने के लिए हमने एक और तरीके से ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाला है, 1/2 इंटू ओ बी जो कि हाइट हो जा रही है जब ए सी बेस है, तो 1/2 इंटू बेस ए सी इंटू ओ बी हाइट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, दैट इज 1/2 इंटू ओ बी इंटू ए सी की वैल्यू 5 है इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू 3, 1/2 कैंसिल, दैट इज ओ बी इज इक्वल टू 12/5 इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। हेंस ओ बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। फिगर में ध्यान से देखने में पता चल रहा है कि ओ बी कोन का रेडियस है। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन प्लस डबल कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन। कोन फर्स्ट जो है उसका वॉल्यूम प्लस कोन सेकेंड का वॉल्यूम इस पूरे डबल कोन का वॉल्यूम होगा इज इक्वल टू, कोन का वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और फर्स्ट कोन की हाइट को हम h1 मान लेते हैं, h1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। हमने फर्स्ट कोन की हाइट को h1 और सेकेंड कोन की हाइट को h2 ले लिया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, रेडियस दोनों में सेम है, इंटू h1 प्लस h2। हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया है इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू जो हमने निकाली थी 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 इंटू 2.4 ब्रैकेट h1। फर्स्ट कोन की जो हाइट है वो है OA और सेकेंड कोन की हाइट है OC, तो OA प्लस OC, h1 प्लस h2 को हमने OA प्लस OC लिखा है इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू 2.4 इंटू 2.4 इंटू OA प्लस OC AC होगा। फिगर में आप देखिए OA प्लस OC AC है और AC की वैल्यू 5 है इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 2.4 इंटू 2.4 इंटू 5 इज इक्वल टू 30.14 सेंटीमीटर क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ डबल कोन इज 13.14 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कोन फर्स्ट प्लस
सरफेस एरिया ऑफ कोन सेकेंड इज इक्वल टू पाई आर एल वन प्लस पाई आर एल टू। रेडियस दोनों में सेम है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल वन इज इक्वल टू पाई आर, कॉमन ले लिया हमने एल वन प्लस एल टू। हमें अपने फिगर में देखने में पता चल रहा है कि फर्स्ट कोन की जो स्लैंट हाइट है वो ए बी है और ए बी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, यानी एल वन की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। सेकेंड कोन की जो स्लैंट हाइट है वो है बी सी, यानी एल टू इज इक्वल टू बी सी जो कि 4 सेंटीमीटर है। यानी ए बी और बी सी की जगह हम 3-4 रख सकते हैं, यानी एल वन और एल टू की वैल्यू 3-4 है। तो पाई की जगह 22/7 इंटू आर 2.4 इंटू एल वन 4 + L2 3 है इज इक्वल टू 22 × 2.4/7 × 7 7 कैंसिल हो गए इज इक्वल टू 52.75 cm². देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन इज इक्वल टू 52.75 cm². तो सरफेस एरिया है 52.75 cm² और वॉल्यूम जो हमने निकाला था डबल कोन का 30.14 cm³।